हाँ बेटा आई एम ऑडिबल ओके 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 डन 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 ठीक है ठीक है ऑल राइट ठीक है ऑल राइट ऑल राइट गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टार्ट करते हैं बेटा नया सेशन मतलब चैप्टर वही चल रहा है सेशन तो नया होगा ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल क्लियर बिल्कुल तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का आज लेक्चर नंबर थर्ड है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट हम लगभग फिनिश कर देंगे ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बोन हाँ इसी में आएगा बोन ठीक है तो डिटेल बोन तो मैंने वहां करा दिया है ठीक है टाइप्स ऑफ बोन और ये अब इसकी जो टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर होता है ना बोन का कंपोजिशन वो वाला पार्ट यहां पर होगा ठीक है बेटा जबरदस्त ठीक है चलो अच्छा चैट प्राइवेट ओके 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 लेग एक तो नहीं है ना चैट प्राइवेट कर देता हूं मैं क्या बॉटी नहीं बढ़ा सकते ठीक है हम और तरुण सर एक्सचेंज कर रहे हैं बात हुई तो मैं ठीक है सर मैं बॉटनी तो मैं पहले पढ़ाता ही था ठीक है तो कहा ठीक है भाई एक्सचेंज कर लेते हैं मैं जुलॉजी पढ़ाऊंगा बॉटनी पढ़ाना मैंने ठीक है अब बॉटनी बी करेंगे ठीक है हाँ एक्चुअल में बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना उनकी एमएससी बायोकेमिस्ट्री से है मेरी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से है और माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी मतलब बॉटनी से निकला हुआ है बॉटनी का पार्ट है एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जुलॉजी तो हम एंटर कर गए क्योंकि जरूरत थी उस समय जॉब की और जुलॉजी में वैकेंसी थी तो जुलॉजी में एंटर मार गए समझे आ जाओ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अभी तो मजाक चल रहा है बट हाँ मजाक नहीं मतलब कल ऐसे ही बनाते बनाते एक शॉट बनाया उसमें ये वाली बात निकल गई ठीक है क्योंकि तो मेरे मतलब मेरा डिस्कशन चल रहा था सर कुछ करते हैं सर कुछ नया मतलब मैं बॉटनी पढ़ाना चाहता हूँ कुछ टॉपिक ठीक तो है मैं जोलॉजी पढ़ाता हूँ ठीक है उसी बात पर हमारा डिस्कशन हुआ चलो ठीक है चलो ठीक है कुल मिलाकर के फाइनली कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ठीक है अच्छा मैं आपको हिंट तो दे दे देता हूँ ठीक है अब हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना द्रोणा वाला सेशन चल रहा था उसको नए अवतार की फॉर्म में थोड़ा सा और बेटर करके और बढ़िया तरीके से उसको कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो द्रोणा सीरीज के लिए कल हम लोगों ने बनाया था तो वो स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से धूम तरीके से ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात उसमें मेरा तो पक्का है मैं एनसीआरटी लाइन टू लाइन विद पीवाई क्यू कराने वाला हूं कुछ और भी उसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा एनसीआरटी के ही करूंगा सारे के सारे बस और कुछ नहीं ठीक है तो लास्ट लेक्चर में हमने

रीजनरेशन तो डिवीजन की हाई कैपेबिलिटी होती है एवेस्कुलर होते हुए भी क्यों क्योंकि ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मिलते हैं जो नरिशमेंट को कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाले ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब करता है समझे यस yes या नो हा हाई रिजनरेशन पावर ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल सही तो ये वाली बात क्लियर थी कल यहां भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ फिर आगे हमने बात की थी एपिथिले टिश्यू को डिवाइड किया था हमने सिंपल एक लेयर कहा होंगे भाई होंगे उनको बनानी होंगे होगा, फिल्ट्रेशन होगा लेयर कहा होंगे जहां प्रोटेक्शन होगा ठीक है डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन सीक्रेशन यहां एक लेयर होंगे ठीक है जहां प्रोटेक्शन की बात आएगी वहां लेयर होंगे ठीक है समझे बेटा सुन रहे हो हो ना सारे सारे के सारे, गया ठीक है तो और सिंगल वाला था फिर सिंगल लेयर सिंपल को हमने फर्दर डिवाइड किया था सिंगल लेयर स्क्मस सिंबल सिंगल लेयर क्यूबेडल सिंबल सिंगल लेयर कल्यूमनार सिंगल लेयर जो स्क्वेमस थे फ्लैटिन थे इनको हम टेसिलेटेड भी बोलते हैं और इनको हम पेवमेंट भी बोलते हैं तो पेवमेंट तो कॉमन सभी को बोल सकते हैं बट टेसिलेटेड उसी को बोलेंगे जहां पर जिग जैक या वेवी अपीरियंस देखने को मिलेगी इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलेंगे जैसे ब्लड और लिम्फ वेसल्स में एंडोथीलियम

ठीक है क्यूबेडल की बात करते हैं क्यूबेडल क्यूब शेप होते हैं क्यूबेडल क्यूब शेप होते हैं क्लियर बिल्कुल क्यूब शेप क्यूबेडल होते हैं और क्यूबेडल की बात की जाए तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था मैंने ठीक है नॉर्मल क्यूबेडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबेडल नॉर्मल क्यूबेडल की बात करते हैं तो नॉर्मल क्यूबेडल का हम देखने को मिलेंगे नॉर्मल का मतलब है जिनकी फ्री सरफेस पर ना तो माइक्रोविलाई होते हैं क्लियर है बिल्कुल समझ रहे हो कुछ भी नहीं होता फ्री सरफेस प्लेन होती है डायरेक्ट

थारॉइड थारॉइड के जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं ना उनमें भी ये देखने को मिलते हैं ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल कहां मिलते हैं तो ये मत भूल जाना बॉडी के जितने भी ग्लैंड होते हैं उनकी जो डक्ट होते हैं जो छोटे डक्ट होते हैं वो सिंगल लेयर क्यूबेडल के मिलने से बनते हैं जो बड़े डक्ट होते हैं वो मल्टी लेयर क्यूबेडल के मिलने से बनते हैं क्लियर बिल्कुल समझ रहे हो ना आया नहीं आया हाँ ठीक है स्मॉल डक्ट स्मॉल डक्ट सिंगल लेयर के बेटल लार्ज डक्ट मल्टी लेयर लेर की बेटल होंगे ठीक है बी एम एस ठीक है ये एग्जाम्पल ध्यान रखने अगर मैं बात करता हूं ब्रश बॉर्डर क्यू बेटल तो ब्रश बॉर्डर क्यूबे कहा देखने को मिलते हैं जरा बताओ ठीक है आप बोलोगे पीसीटी पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ठीक है तो के अदर पार्ट में कौन से क्यूब कौन से क्यूबेडल मिलेंगे जैसे असेंडिंग लूप ऑफ एनले डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट नॉर्मल क्यूबेडल मिलेंगे ठीक है तो नेफ्रॉन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया अब बात करते हैं कॉल्यूमनार तो कॉल्यूमनार की खास बात क्या है यहां पर न्यूक्लियस ओवल शेप होता है नियर द बेस होता है ओवल शेप होता है नियर द बेस होता है बेस के बहुत पास होगा पहली बात गोबलेट सेल जो को रिलीज करते हैं ने उसका जिक्र नहीं किया इसलिए हमने भी डिस्कस नहीं कराया ठीक है तो वहां पर गोबलेट सेल होते हैं कहीं पर भी म्यूकस मिल रहा है मतलब कॉल्यूमनार एपीथिलेट टिश्यू वहां पर हेंगे ठीक है तो क्योंकि गोब्लेट सेल होंगे क्योंकि तो म्यूकस है क्लियर है बिल्कुल हाँ तो ये ध्यान रखना है आपको तो इसको हमने डिवाइड किया है नॉर्मल कॉल्यूमार ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमार और सीलिया भी होते हैं इनके पास तो काइनो तो नॉर्मल कॉल्यूमार जो गट होती है आपकी इस गट में मिलने वाले ग्लैंड के अंदर नॉर्मल कॉल्यूमार गट के स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं ठीक है इंटरनल लेयर जो होगी वो ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूनार फॉर ऑफ फूड क्लियर है बिल्कुल इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ठीक है काइनोसिलिएटेड तो काइनोसिलिएटेड में काइनो मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक काइनोसिलिया म्यूकस को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी मोटाइल सीलिया है जो कह सकते हो ओवा को और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज एग को कहा किस तरफ लेके जाता है आप बोलोगे ट्यूबर्स यूट्रस क्लियर बिल्कुल हाँ सीलिया काइनोसिलिया हाँ, की बात करते हैं नॉन मोटाइल सिलिया होते हैं ठीक है याद हो मैंने ईयर के अंदर बताए थे नॉन मोटाइल सीलिया ठीक है स्टीरियोसिलिया अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें एपीडायमिस और वास डिफरेंस में भी बताऊंगा नॉन मोटाइल सिलिया तो ये थे आपके ठीक है ये वाला पार्ट कंप्लीट था फिर मैंने बात की थी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू दो ही सेल दो ही एपिथेलियम ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन से एपिथेलियम पार्टिसिपेट करते हैं कीबोइडल या कोल्यूमनार स्क्वैमस कभी ग्लैंड नहीं बनाते ठीक है ग्लैंड का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ सेल के बेस पर कर सकते हो जैसे यूनिसेलुलर कौन होते हैं गोबलेट है, सेल यूनिसेलुलर हैं ठीक है और पेनेस सेल यूनिसेलुलर हैं क्योंकि पेनेस सेल

जिनमें डक्ट नहीं होती वो अपने सिक्रेशन को बॉडी फ्लूड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एंडोक्राइन है। जिनमें दोनों कंडीशन देखने को मिलती है वो हेट्रोक्राइन होते हैं ठीक है हाँ तो तीनों कंडीशन आ गई एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा एंडोक्राइन का एग्जाम्पल याद रखो ऑल हॉर्मोन रिलीजिंग ग्लैंड आर एंडोक्राइन ठीक है और हेट्रोक्राइन के एग्जाम्पल याद रखो तीन है पेनक्रियाज हो गया ठीक है नंबर वन तो पेनक्रियाज हो ही गया पेनक्रियाज के अलावा अगर हम बात करेंगे पेनक्रियाज के अलावा टेस्टीज और ओवरी क्लियर है इसके अलावा जो भी आपको याद आ रहा है ना इंक्लूडिंग गोबलेट सेल ऑल आर एक्सोक्राइन ऑल आर एक्सोक्राइन जिसमें गोबलेट सेल पर डक्ट नहीं होती पर अपने सिक्रिटरी सब्सटेंस को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं इसलिए इनको एक्सोक्राइन में रखा समझे हाँ मेमोरी सलाइवरी एंजाइम डाइजेस्टिव एटसेट्रा सारे के सारे एक्सोक्राइन क्लियर है बिल्कुल तो ब्रेन में सेट हो गया ना ये वाला पार्ट भी और लास्ट में मैंने जंक्शन की बात की थी जंक्शन याद आ गया मथुरा जंक्शन पटना जंक्शन क्लियर है बिल्कुल जंक्शन का मतलब है जो कई चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करता है जोड़ने का काम करता है वो जंक्शन है ठीक है जंक्शन चले जाओ कहीं ट्रेन मिल जाएगी आपको ठीक है वो जंक्शन है ऐसी बॉडी में भी सेल जंक्शन होते हैं ठीक है और मोस्टली जंक्शन एपिथिलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथिलियल टिश्यू यस कोटा जंक्शन ठीक है मोस्टली एपिथिलियल टिश्यू प्रेजेंट इन सॉरी मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन क्लियर है, बट नर्वस टिश्यू में भी देखने को मिल जाते हैं जैसे सोडियम तो चैनल्स, तरीके से ठीक है ऐसे ही आपको कहाडिक टिश्यू में ठीक है कार्डिक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क के ऊपर गैप जंक्शन थे याद आ गया हाँ तो वहां पर भी जंक्शन देखने को मिल जाते हैं क्लियर है चलो ये वाली बात क्लियर थी तो जंक्शन मैंने बताया टाइट जंक्शन एडहरेंस ठीक 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 है 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 और तीसरे थे gap junction. Tight junction, जो को को रोकते हैं मतलब है? है? uh, के leakage को रोकेंगे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं गट में होते हैं स्टमक में होते हैं ठीक है लीकेज नहीं होने देते क्लियर है बिल्कुल तो टाइट जंक्शन और एडरस जिनको भी बोल सकते हो जो बांधने का काम करते हैं ठीक है समझ रहे हो एक टाइम था मैं जंक्शन पर ही एक क्लास लेता था पूरी क्लास जंक्शन पर सोचो ठीक है अब टोटली पर आ गए हम लोग ठीक है तो जंक्शन का मतलब है जो बिल्कुल बांधने का, का काम करते हैं इनको डेसमोजुमसी बोलते हैं कि घुमा के डैस पूछ सकता है वो ठीक है समझ रहे हो तो भाई बांधने का, का काम करते हैं ठीक है सीमेंटिंग कीप सेल और तीसरे थे गैप जंक्शन दो जो दो अलग अलग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइन्स स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वो कैप जंक्शन होते हैं क्लियर है तो ये पूरा पार्ट एकदम क्लियर होगा उसको सेपरेट कर दो ठीक है अब स्टार्ट किया था हमने कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में बेसिक मैंने करा दिया था कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक का मतलब है टाइप्स रह गया था हाँ कंपोजिशन वाला मैंने कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट करा दिया था हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है क्या कहना चाह रहे हो कैलाश हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अच्छा कंपाउंड रह गया कैलाश कह रहे सर कंपाउंड रह गया ठीक है कंपाउंड रह गया कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कंपाउंड का मतलब मल्टीलेयर 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 की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीलेयर दो टाइप के प्रोबेबिलिटी हो हो तो होती है यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं थोड़े यूरोथेलियम क्लियर बिल्कुल जैसे यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर पेल्विस पेल्विस भी उसी में आ गया पेल्विस यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोक्सिमल यूरे ये यूरिनरी सिस्टम है इसलिए इनको यूरोथिलियम बोलते हैं जो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं उनको स्ट्रेटिफाइड बोल सकते हो आप मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हो स्ट्रेटिफाइड स्कैमल स्ट्रेटिफाइड क्यूबेटल स्ट्रेटिफाइड कॉल्यू

डेड हो जाते हैं अपर सरफेस धीरे-धीरे धीरे क्योंकि क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन बढ़ जाता है सब क्रेटिनाइज है क्लियर है बिल्कुल अब आप बस आपको एक स्किन याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी ने स्किन ही दे रखा है अब दिक्कत कहाँ है कि आपको नॉन क्रेटिनाइज स्टेडी स्टेडीफाइड इस्केमस एपिथेलियल टिश्यू उसमें ऐसे याद रखो गट ओरल कैविटी इंक्लूडिंग चीक फेरिंग्स ईसोफेगस मुस्ली से बनी होती है और लास्ट में एनल कैनाल ये भी मल्टी लेयर होते हैं प्रोटेक्शन के लिए होते हैं क्योंकि फीकल मैटर वहां से निकलता है सोचो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है ठीक है और एक लेयर है एनल कैनाल के अंदर और जब एनल कैनाल से वो निकलेगा ड्राई एकदम तो, तो एक लेयर तो चली जाएगी उस साथ में उसके ठीक है इसलिए नेचर को पता था कि इंसान दुष्ट है मैदा भी खाएगा ये पिज्जा भी खाएगा ये बर्गर भी खाएगा खाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा तो एक दिन वो ड्राई मटेरियल एनल कैनाल से निकलेगा तो एनल कैनाल को को मल्टीलेयर बनाना है समझ रहे हो हाँ बिल्कुल पाइस बोलते हैं ठीक है वो अलग चीज है ठीक है होता है कि एक दो लेयर चली भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है नहीं। अब बात करता हूँ तो क्यूबेडल मल्टीलेयर केस में मैंने बताया था आपको ठीक है क्यूबेडल मल्टीलेयर केस में लार्ज डॉफ सीक्रेटरी जैसे पेनक्रिएटिक सलाइवरी ठीक है मेमेरी एटसेट्रा ठीक है और एक बताया था मैंने

ब्रेन में सेट बस अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टाइप से पहले मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू मोस्टेंट मतलब करने वाला कंसेप्ट था कनेक्टिव में ज्यादा रट्टा मारने का काम नहीं कनेक्टिव में कनेक्टिव थोड़ा समझना है हो जाएगा कनेक्टिव ठीक है एपीथिलियल रटने का था पर मैंने अच्छे से समझा भी दिया है और दिमाग में भी सेट करा दिया है हो गया ना सेट हो गया बस तो बस सही है ये थोड़ा देखो यार जमाना था टिश्यू टीचर पढ़ाने से डरता था बच्चा पढ़ने से डरता था मैं सच कह रहा हूँ एक जमाना था आ, मुझे याद है डेली का केस है आकाश का ठीक है टिश्यू कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था भाई टिश्यू भाई बच्चा भाग जाएगा टिश्यू मतलब ये तो तब भी मेरी स्ट्रेटेजी यह थी कि टिश्यू को मैंने कहानी बना करके बच्चे को याद कराया था ठीक है तो आज समझा करके कहानी बना करके हर तरीके से याद करा दिया है ठीक है तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी आपकी एनसीआरटी पूरी लाइन टू लाइन हो रही है एनसीआर साथ करते जाओ और कुछ बच नहीं रहा है ठीक है और एनसीआरटी लास्ट में मैं कराऊंगा ही ठीक है चलो टाइप्स ऑफ कनेक्टेड टिश्यू की अच्छा कंपोजिशन की बात करते हैं अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूँ तो ये एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है क्या ठीक है ये एक तरीके से कह सकते हो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ठीक है लिंक करते हैं एक दूसरे की चीजों को इंटरकनेक्ट करते हैं लिंक करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाले अगर कोई टिश्यू है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट अबिंडेंट बोलते हैं इनको मोस्ट अबिंडेंट कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो अबिंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मिलने वाले समझना मेरी बात सबसे ज्यादा मिलने वाले अगर टिश्यू कोई होते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्लियर है बिल्कुल मोस्ट सबसे ज़्यादा मिलने वाले हाँ बता रहा हूं उसी पर आ रहा हूं ठीक है अच्छा ये बताओ अगर तरुण सर जुलजी पढ़ा है तो कौन सा चैप्टर उनसे पढ़ना चाहोगे और अगर मैं बॉटनी पढ़ाऊं तो मुझसे एक चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाँ बेटा आकाश मैं भी बहुत पढ़ा है चार कई कह, कई साल तक Delhi. बताओ मुझसे पहले बताओ जुलजी में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे तरुण सर से बॉटनी में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे मुझसे अच्छा एनिमल किंगडम मैं बोल दूंगा उनसे, है. और में बताओ? चलाके बच्चे पूरी <laughs> चलाकी अच्छा बॉटनी वाला टीचर उसको प्योर जुलॉजी का दो अच्छा जुलॉजी वाला टीचर उसको प्योर बॉटनी का दो <laughs> बस सही नहीं बायोमोलिक्यूल तो खैर मैं पढ़ाया ही है ठीक है इससे पहले भी पढ़ाया है मैंने ठीक है बायोमोलिक्यूल तो मैंने पढ़ाया है ठीक है आकाश में भी पढ़ाता रहा हूँ बायोमोलिक्यूल वहां पर भी दूसरे प्लेटफॉर्म बायोमोलिक्यूल तो पढ़ा है बायोमालिक्यूल तो कॉमन है वो बॉटनी दोनों का कॉमन है ठीक है पर मैं समझ गया हाँ जेनेटिक्स जेनेटिक्स भी देखो बायोमोलिक्यूल जेनेटिक्स साइटोलॉजी बायोलॉजी ये जुलॉजी बॉटनी के कॉमन टॉपिक होते हैं ठीक है पर कुछ कॉमन नहीं होते जैसे चलाक बच्चे लिख रहे हैं मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एनिमल किंगडम हाँ ये कॉमन टॉपिक नहीं होते ठीक है इकोलॉजी ये कॉमन टॉपिक नहीं होते समझ रहे हो बिल्कुल सही सही सुपर अब मैं कल आज बात करूंगा मिलूंगा तब ठीक है कि भाई बच्चे पढ़ना चाह रहे एनिमल किंगडम पढ़ाओ ठीक है और मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं एनाटॉमी बहुत सही नहीं ये कॉमन टॉपिक तो करा देंगे जबरदस्त समझे चलो बहुत बढ़िया सुपर ठीक है वही प्लांट किंगडम एनाटॉमी मुझे पता है बच्चों का थोड़ा सा प्योर बॉटनी वाला पार्ट आ जाता है चलो बहुत सही हाँ अच्छा है चलो चलो मजा मजा आ गया तुमने गया तुमने डिस्कशन हो तुमसे ये वाली बात आज फिर करेंगे ठीक है तुम्हारी बात बताऊंगा आज ये बच्चों ने ये बोला है भाई ठीक है हाँ अब स्टार्ट करते हैं देखो तो दो चीजें तो क्लियर हो गई अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं तो तीन चीजें होंगी मेनली ठीक है जैसे मानो एक तरीके से बकेट है मेरे पास बाल्टी चलो कुछ भी नहीं है मग्गा भी नहीं है मान लो एक बकेट है बकेट में आपने पानी भर दिया पानी क्या हो गया एक तरीके से मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ठीक है आप समझना उसके अंदर आप दो चीजें डाल दो फाइबर डाल दो और कुछ सेल डाल दो ठीक है समझ रहे हो फाइबर डाल दिया आपने सेल डाल दिया तो बन गया आपका एक कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब यदि तीन चीजें मेन होती हैं सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ठीक है फाइबर्स होते हैं समझ रहे हो और एक्स्ट्रा सेलुलर सबिस्टेंस के अंदर मैट्रिक्स आ गया वो होता है आपका ग्राउंड सबिस्टेंस कह सकते हो उसको ग्राउंड सबिस्टेंस बेस जो है ग्राउंड तो अगर ग्राउंड सबिस्टेंस की बात करता हूं जिसके अंदर सेल्स और फाइबर देखने को मिलते हैं तो ग्राउंड सबिस्टेंस मेनली है क्या इट इज अक्राइड्स याद हो बैक्टेरियल सेल वॉल में पढ़े होंगे म्यूकोपोलीसेक्राइड ठीक है हाँ और बायोमोलिक्यूल में भी हम पढ़ाते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड्स ठीक है

ठीक है भाई एनाटॉमी पढ़ाएंगे कभी कंपटीशन होगा मजा आएगा ठीक है मतलब गेम खेलेंगे इस तरीके से ठीक है एक जोलॉजी एक बॉटनी तरुण सर को देंगे क्या एनिमल किंगडम बुलाना तुम लोगों ने एनिमल किंगडम ठीक है और मैं उठा लूंगा एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी नहीं सेल साइकिल तो कॉमन है यार सेल साइकिल तो कोई कोई भी करा देगा जुलॉजी का टीचर ठीक है हाँ फिजियोलॉजी भी कोई भी करा देगा फिजियोलॉजी भी कॉमन होती है पर स्मार्ट बच्चों ने पकड़ ली सही बात स्मार्ट बच्चों ने क्या पकड़ी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी कराओ ठीक है तो जाने, और बॉटनी की वाली टीचर के लिए बोलते हैं कि यार एनिमल किंगडम कराओ मतलब बहुत तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन के साथ ठीक है तो जाने, है ये दो नो no डाउट सही बिल्कुल सही पकड़े चलो नहीं ठीक है वैसे तो कैसा स्पेशलाइजेशन होता ही है जो टीचर जिसके अंदर एक्सपर्ट ही रखता है वो उसी में बढ़ता है जैसे तरुण सर को बॉटनी पढ़ाने में मजा आता है तो बॉटनी में निकल गए मुझे ज्योलॉजी बढ़ाने में मजा आ रहा है मैं ज्यूलॉजी में निकल गया ठीक है जैसे एसीपी सर को फिजिक्स पढ़ाने में मजा आ रहा है फिजिक्स में निकल गए जबकि उन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी ठीक है समझ गया ना मेरी बात ऐसी वीटी सर को और सर्वे सर को केमिस्ट्री पढ़ाने में मजा आता है केमिस्ट्री में तो वेरिएशन है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्निक ठीक है तो कुछ चीज रटने वाली होती है इनॉर्निक के अंदर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वाली होती हैं समझ रहे हो फिजिकल में आ गई तो उसके बेस पर तो यही तो आप लोग भी क्या पहले एमबीबीएस करोगे सब चीजें पढ़ोगे फिर स्पेशलाइजेशन करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आगे बढ़ जाओगे आप ठीक है यही कंसेप्ट है वही तुम करने वाले हो भाई समझ रहे हो पर हम इंडियंस हैं इंडियंस तो इंडियन डॉक्टर तो 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 की वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है ठीक है वो कोई भी हो कहीं गायनों का केस इमरजेंसी फंस जाए ऑर्थो का डॉक्टर है वो गायनों का केस भी हैंडल कर लेगा ठीक है ये एक्सपर्ट ही है इंडियन डॉक्टर की मतलब इंडियन स्टूडेंट्स की कह सकते हो वो जुगाड़ू होता है और एक साथ कई चीजों पर दिमाग लगा देता है वो ठीक है हाँ बेटा ऑर्थोपेडिक्स तो बहुत अच्छी ब्रांच है पर इसकी रैंक बहुत ऊपर जाती है बेटा इतना तो आसानी से नहीं मिलती ऑर्थो ठीक है, तो, है? आ जाओ उधर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं पहले लोग समझते थे न्यूरो सर अब न्यूरो चलो होती है पर आज की डेट में ठीक है रेडियो और ऑर्थो तो, मारा मारी हो रही है हर डॉक्टर चाहता है सुकून की जिंदगी यार ठीक है

वो कैंसर ऑंकोलॉजी में, तो में, के में पंद्रह साल की बच्ची को हार्ट अटैक से अभी डेथ हुई है चार पांच दिन पहले तब मैं समझ रहा हूं ये हो क्या रहा है पता नहीं कहीं ना कहीं खान पान की वजह से हो रहा है क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है ठीक है बट कार्डियो की भी जरूरत है अब आप आ जाओ ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाएगा मीको पॉलीसेक्राइट कौन सा होगा हाइल्यूरोनिक एसिड पहली बात फाइबर तीन टाइप के हो सकते हैं भाई येलो फाइबर हो सकते हैं इलास्टिन व्हाइट फाइबर हो सकते हैं कॉलिजिन और रेटिकुलर फाइबर भी हो सकते हैं जो रेटिकुलिन प्रोटीन थिन नेटवर्क ऑफ कॉलिजिन फाइबर विथ सराउंडेड बाय रेटिकुलिन प्रोटीन वो रेटिकुलर फाइबर होते हैं रेटिकुलम मतलब जाल क्लियर है और सेल तो आपको याद रहेंगे मीजन कैमल सेल हो गए वो तो आप याद रखोगे स्टेम सेल जो फाइब्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है जो ऑस्टियोसाइट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं नहीं, किसी में भी कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं ठीक like है और मैक्रोफेज तो आप जानते हो भक्षण कोशिकाएं मैक्रोफेज भक्षण कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस करती है वो भी इसके अंदर होती हैं इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको ठीक है और बेसिक सेल आपको बताएं जैसे मास्ट सेल है ठीक है मास्ट सेल लाइक बेसोफिल्स जो इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स सॉरी इ लाइक बेसोफिल्स तो बेसोफिल्स और मास्ट सेल दोनों एक ही चीज रिलीज करती हैं हिपरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन क्लियर है भाई मास्ट सेल हो या बेसोफिल्स हो अंतर मैंने बताया था जब ब्लड पढ़ाया था कि अगर ब्लड की बात आएगी तो ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आप बोलोगे बेसोफिल्स अगर ब्लड को छोड़कर के रेमेनिंग जो कनेक्टेड टिश्यू में उनकी बात आएगी तो वहां पर बैसोफिल की ही भाई बहन जो भी कह सकते हो मास्ट सेल होंगे वो सेम काम करेंगे हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करने का क्लियर है बिल्कुल इसके अलावा प्लाज्मा सेल होते हैं इज ठीक है जो एंटीबॉडी वो बनाने का, का, का काम करते हैं ठीक है अब बताओ यहां तक कोई डाउट शाउट था नहीं था ना अब बात कर रहे थे हमने इसके बाद हमने स्टार्ट किया था भाई ये तो समझ में आएगा कंपोजिशन तीन चीजों के मिलने से बनते हैं पर कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो ना मेरी बात नो डाउट डाउट no अविनाश बेटा तुम चैट ओपन करके करेगा क्या मैं कोशिश कर रहा हूं तुम बस मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं बस समझ रहे हो और कोई दुनिया में किसी को मत देखो इधर आ जाओ फटाफट फ़ड़। ठीक है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अगर हम टाइप्स की बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अच्छा टिश्यू और लिख दें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अब सही है ठीक है अगर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं ना तो इनको डिवाइड कर दो आप दो पार्ट में दो क्या तीन में डिवाइड करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेसलाइज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेसलाइज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है इस पर क्वेश्चन आएगा लूज डेंस और स्पेसलाइज समझ रहे हो ना Loose connective tissue, loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized. ठीक है आप समझ रहे हो लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड अमन भी फेवर में है। चैट ऑन करो बहुत सही सर रिवीजन में मजा आता है मजे के लिए नहीं करा रहा एकदम ब्रेन में हर चीज को सेट करना है इसलिए करा रहा हूं ठीक है हाँ, evolution आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा अभी ठीक है अंदर evolution करा रहा हूं, सब के आ जाना भाई अभी बायोटेक का मैं सेकंड चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ सबके यस मत ऑन करो यस yes. ये हुई ना बात लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज अरे भाई लूज डेंस चलो अब बात करेंगे लूज डेंस और स्पेसलाइज में क्या अंतर है कब आना है सर जल्दी ठीक है आपको उसका प्लानर मिल जाएगा ठीक है हम आज तो नहीं कल इसको लॉन्च करेंगे उसका मिल जाएगा आपको हाँ हाँ मिले जाए वीकली प्लानर आपको देंगे प्रॉपर तरीके से हाँ प्रॉपर तरीके से आ, हर वीक समझो एक जोलॉजी एक बॉटनी एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री तो द्रोणों में आएगी ही आएगी क्योंकि संजीवनी पैरल चल रही है ठीक है वो भी ड्यू है आपका पॉडकास्ट ड्यू चल रहा है ठीक है एक समझ रहे हो ना पर पहली प्रायोरिटी है अपने पेड बैच टाइमली परफेक्टली खत्म होने चाहिए ठीक है ये सेशन चलते रहेंगे पर ये सेशन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो बैच चल रहे हैं आप डेडिकेट होकर जो पढ़ रहे हो ठीक है ये बहुत जरूरी चीज है ठीक है टाइमली खत्म होने चाहिए टाइमली आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए टाइमली आपका रिविजन स्टार्ट होना चाहिए और टाइमली क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइमली आपकी सीरीज आपकी पैरल चालू हो जानी चाहिए और टेस्ट के डिस्कशन उसमें इंप्रूवमेंट उसमें कमियां उन पर काम करना चाहिए जो कि अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है हाँ, करते जाओ भाई छोड़ना मत हा अभिषेक सर अभी बेटा इधर राजा राजा ठीक है समझ रहे हो देखो लग, इतना लगातार पढ़ोगे ना चीजें मतलब जैसे लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं ना हम लोग बिल्कुल इंटरेक्ट करते हुए पढ़ो हर चीज समझते हुए चलो ठीक है अच्छा ऐसे अपलोड कराता हूं वंशिका ठीक है चलो अब बात आती है सर लूज क्या है भाई एक बाल्टी ली आपने बकेट ली अब इस बाल्टी के अंदर आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाने हैं तो क्या करोगे अगर इस बाल्टी में आपको लूज कनेक्टेड टिश्यू बनाने हैं तो क्या काम करने वाले हो आप इस बाल्टी के अंदर आप सबसे पहले मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सबस्टेंस भर दो भर दिया सर अब लूज ढीले बनाने हैं तो फाइबर इसमें कम डालोगे फाइबर कम डालोगे फाइबर कम डाल दो सेल तो सारी डालोगी इसके अंदर फाइबर कम कर दो ठीक है लेस फाइबर मोर मैट्रिक्स अगर फाइबर कम करते हो मैट्रिक्स ज्यादा करते हो तो ढीले हो जाएंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू लेस फाइबर मोर मैट्रिक्स लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हो मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस सघन क्लियर है बिल्कुल बस इतना बात ध्यान रखनी है आपको उससे याद रहेगा ठीक है लूज कनेक्टेड टिश्यू में क्या होगा लेस और मोर याद रखना है आपको ऐसी डेंस में आपको ध्यान रखना है लेस और मोर ये लूज में कम क्या होगा फाइबर मोर क्या होगा मैट्रिक्स अच्छा डेंस में उल्टा हो जाएगा लेस मैट्रिक्स होगा पर मोर फाइबर होंगे समझ गया ना मेरी इसलिए जो डेंस हो जाएंगे ये लेस ये लूज हो जाएंगे अच्छा स्पेसलाइज के अंदर आपको दो पढ़ाऊंगा मैं एक स्केलेटल एक फ्लूड स्केलेटल एंड फ्लूड स्केलेटल एंड फ्लूड अगर फ्लूड की बात करते हैं समझना स्केलेटल में दोषियों पढ़ाने वाले हैं आपको एक तो बोन कार्टिलेज में दो पढ़ाने वाले हैं आपको कौन कौन से एक तो ब्लड और एक लिम्फ ये कहानी है पूरी की पूरी ठीक है अब ब्लड और लिम्फ तो मैं पढ़ा चुका हूं कहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में तो टेंशन तो उसकी होनी नहीं चाहिए हाँ बेटा चलो कोई नहीं ठीक है तो मैं बात कर रहा था बेटा कि ब्लड और लिम्फ हम कहां पढ़ चुके हैं ब्लड और लिम्फ हम पढ़ चुके हैं बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में याद होगा भूले तो नहीं होना यस सर ठीक है कोई नहीं है ना अब पढ़ना क्या है मैं बोन और कार्टिलेज पढ़नी है बोन और कार्टिलेज के टाइप्स और वो पूरा स्टेटल पढ़ चुके हैं बट इनका टिश्यू लेवल पर चीजें पढ़नी है टिश्यू लेवल पर टाइप्स पर ठीक है वो मैं यहां कवर करा दूंगा ठीक है आप लूज और डेंस में क्या पढ़ना है आपको हमें हमें आगे जाकर के ठीक है लूज में हम पढ़ने वाले हैं यहां पर यही लिखता हूं एक तो एरुलर पढ़ेंगे हम यहां पर और दूसरे पढ़ेंगे एडिपोज ठीक है और डांस में हम क्या पढ़ेंगे डेंस में हम दो पढ़ने वाले हैं यहां पर एक तो रेगुलर डेंस होंगे और एक एरेगुलर होंगे रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं समझाता हूं और रेगुलर में हम दो पढ़ने वाले हैं रेगुलर में भी हम दो पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं रेगुलर के अंदर टेंडन और लिगामेंट टेंडन और लिगामेंट टेंडन और लिगामेंट मैं रेगुलर में पढ़ाने वाला हूं इरेगुलर जितनी भी कवरिंग होती है कवरिंग ऑफ ऑर्गन प्लस डर्मिस ऑफ स्किन स्किन की डरमिस और सारी कवरिंग जो पढ़ाऊंगा ना उन सब के अंदर आपको रेगुलर डेंस इरेगुलर मिलेंगे आप सर इरेगुलर और रेगुलर क्या है जैसे एक बाल्टी थी ना बकेट भाई इस बकेट के अंदर हमें क्या डाल लेते फाइबर अगर आप फाइबर को इस तरीके से भरते हो रेगुलर पैटर्न में तो रेगुलर हो गए अगर आप फाइबर को आप ऐसे एसे दे में डे ऐसे इरेगुलर पैटर्न में भरते हो तो डेंस से रेगुलर हो गए सिंपल सी बात है तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर हाँ बताता हूं अभी ठीक है व्हाइट एंड येलो पर आएंगे ठीक है तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर का मतलब है कि ओरिएंटेशन क्या है फाइबर का मैट्रिक्स के अंदर ओरिएंटेशन अरे ओरिएंटेशन क्या है फाइबर्स का मैट्रिक्स के अंदर ओरिएंटेशन रेगुलर है तो रेगुलर ओरिएंटेशन बिगड़ा हुआ है तो इरेगुलर समझ में आया तो यहां पर हम टेंडन और लिगामेंट पढ़ने वाले हैं टेंडन और लिगामेंट पढ़ने वाले हैं रेगुलर के अंदर इसको थोड़ा साफ साफ लिख दो यार ओके या हम पढ़ने वाले हैं टेंडन और लिगामेंट रेगुलर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं नंबर वन टेंडन नंबर टू पढ़ने वाले लिगामेंट क्या होते हैं समझाऊंगा मतलब ये फ्लो डायग्राम आपको टिप्स पर करा देगा हर चीजें बस इसलिए ठीक है और एरुलर क्या होते हैं एरेला जो क्या करते हैं फिल करते हैं फिल द ए एरे क्या होता है स्पेस जो बॉडी के स्पेस को भरने का काम करते हैं वो एर हैं। एरोला को भरने का काम करते हैं वो एरोला कनेक्टेड टिश्यू हैं एडिपोस फैट स्टोरिंग होते हैं फैट स्टोरिंग ये प्रोडोग्राम समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो यहां तक बताऊंगा स्किन की दो लेयर होती है ऊपर वाली उसके नीचे डरमिस तो एपीडर्मिस ए वेस्कुलर होती है क्योंकि एपिथिलियल टिश्यू के मिलने से बनती है डरमिस वेस्कुलर होती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के मिलने से बनती है बीएमएस बी एम एस चलो चलो चंगा हो गया चमक गया चलो बहुत बढ़िया तो यहां तक क्लियर है आपको ठीक है अब हम एक एक करके चलेंगे तो सबसे पहले हम लूज को कवर करेंगे ठीक है फिर हम डेंस को कवर करेंगे फिर हम स्पेशाइज को कवर करेंगे ठीक है तो लूज की बारी आती है तो लूज में सबसे पहले मैं पकड़ूंगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो क्या काम करते हैं फिल द एरियोला एक्ट एज कह सकते हो तो फ्रेमवर्क ठीक है एक फ्रेम वर्ग का काम करते हैं फॉर स्किन स्किन के लिए फ्रेम वर्ग का काम कर रहे हैं एरोला को फिल करने का, का काम करते हैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं उससे so रिलेटेड इनसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एक्टेस्ट फ्रेमवर्क फॉर स्किन यह क्वेश्चन आएगा एक्टेस्ट पैकिंग टिश्यू यह भी क्वेश्चन आया हुआ है पैकिंग टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन क्यों बोल रहे हैं पैकिंग प्रेजेंट बिटवीन रिप्रेजेंट अराउंड लिखो ज्यादा बेटर है ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं जैसे याद हो ठीक है मीजोथिलियम के अराउंड कनेक्टेड टिश्यू थे इसलिए उनको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं ठीक है इसके अलावा आप बोल सकते हो पैकिंग का मतलब है जो किसी की चीज को पैक कर रहे है, का काम का कर रहा है वो पैकिंग टिश्यू है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आता है प्रेजेंट बैनथ स्किन स्किन के ठीक नीचे होते हैं एंड जॉइन स्किन टू मसल्स और स्किन को मसल से जोड़ने का काम काम भी करते हैं ठीक है आप समझो एरियोलर एरियोला एरियोला मतलब है स्पेस एरियोला मतलब है स्पेस जो जैसे मानो नेचर ने आपको बनाया ठीक है आपकी बॉडी में रिप्स बनाए बोन बनाए मसल्स बनाए पूरा ढांचा बनाया ठीक है ढांचा बनाया स्किन चला दी उसके ऊपर अब कहा यार इसमें तो स्पेस भरा पड़ा है बहुत सारा जगह एक ठीक है स्पेस भरा हुआ है तो उसको भरने के लिए उसने एक लिक्विड बनाया और उठा करके पूरा स्पेस में वो भर दिया उसको ठीक है समझ रहे हो हाँ ज्वाइन स्किन टू मसल्स ठीक है ठीक है समझ रहे हो और उस जब स्पेस में भर दिया क्या भर, के? भर गए ठीक है तो इसीलिए एरोलर जो है वो स्किन के लिए फ्रेम वर्क का, का काम ही कर रहे हैं सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ठीक है ये स्किन को मसल से जोड़ने का भी काम काम करते हैं देखा होगा जब हा आपका बुढ़ापा स्टार्ट होगा ना तो आपकी स्किन

वो एनिमेशन में क्या देखोगे यार इसमें कुछ है ही नहीं एनिमेशन में ठीक है जहां जरूरी चीज होगी वहां दिखाऊंगा जहां जरूरी चीज नहीं है तो क्या करोगे फालतू में चैट प्राइवेट है बेटा बस मैं देख सकता हूँ मेरे लिए प्राइवेट नहीं है मैं देख सकता हूं मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ पर तुम्हें अलाउड नहीं है समझ रहे हो कुछ शायद वेब पर चीजें कं कं कंट्रोल होती हैं ऐप पर तो कंट्रोल्ड होती हैं बस स्लाइड नंबर नहीं होता कुछ भी ठीक है टॉपिक चल रहा है लूज कनेक्टेड टिश्यू ठीक है तो एरुलर समझ में आए अब एरुलर कनेक्टेड टिश्यू में सेल्स कौन से मिलते हैं तो ये डायग्राम दिखा रखा है ना यहां पर ये कनेक्टेड टिश्यू है एनसीआरटी ने एरुलर कनेक्टेड टिश्यू का डायग्राम दिखा रखा है और कल मैंने बताया भी था एरोलो कनेक्टेड टिश्यू में मैक्रोफेज समझ में आ रहे हैं आपको फाइब्रो ब्लास्ट लार्जेस्ट सेल होते हैं कल समझाया भी था मैंने लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ठीक है ये क्या रिलीज करते हैं ये रिलीज करते हैं फाइबर्स और मिलने वाला मैट्रिक्स मैट्रिक्स और फाइबर्स को रिलीज करने का काम यही लार्जेस्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट करते हैं ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात इसके अलावा देखोगे यहां पर ये दिख रहे हैं ना ये न्यूट्रोफिल्स हैं तीन न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसके मास सेल्स दिख रहे हैं प्लाज्मा सेल दिख रहे होंगे आपको ग्रेन्यूल्स नहीं है इसलिए देखो दो हेडफोन दिख रहा है ना तो क्या हो जाएंगे eosinophils दिख रहे हैं आपको ठीक है फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं आपको यहां पर मैक्रोफेज दिख रहे हैं आपको यहाँ पर समझ लो ना मेरी बात अब फाइबर की बात करूंगा तो कॉलिजन फाइबर दिख रहे हैं आपको ये व्हाइट कलर के बड़े बड़े कॉलिजन फाइबर देखो तो येलो कलर के इलास्टिन फाइबर भी दिख रहे हैं आपको येलो इलास्टिन येलो कलर के और देखो तो पिंक कलर का जाल दिख रहा है आपको पिंक कलर का जाल पिंक कलर का जाल रेटिक्यूलो रेटिक्यूलोसाइट्स रेटिक्यूलोसाइड्स और ये तो एडिपोस एडिपोसाइड तो दिखी रहे ना आपको ये एडिपोसाइड बाहर निकाल के दिखा दिए ये ब्लड वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स अब क्या बचा कुछ भी नहीं बचा इस डायग्राम के अंदर ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं मैक्रोफेज दिख रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं आपको फाइबर बना रहे हैं येलो कलर के लास्टिन है न्यूट्रोफिल्स हैं, मास सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, इोसिनोफिल्स हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू एर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मेरी समस्या आप बता दोगे इसमें कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए कोई डाउट है एरूलर के डायग्राम में हां ड्रॉ करना है भाई ड्रॉ करना है बेसोफिल का डायग्राम नहीं है कि बेसोफिल में न्यूक्लियस एस शेप होता है ठीक है एस शेप होता है और एनसीआरटी में ये शेप जो दे रखी है ना न्यूट्रोफिल्स की दे रखी है आप ब्लड वाला चैप्टर खोलो हाँ ब्लड वाला चैप्टर खोलो वहां मिल जाएगी आपको हाँ रेटिक्यूलो साइट्स नहीं है यहाँ पर रेटी अच्छा रेटिक्यूलो साइट लिख दिया मैंने अरे 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 रेटिक्यूलर फाइबर अच्छा ये होता है देखो कभी कभी रेटिकुलर फाइबर का मतलब होता है जाल बनाए रेटिक्यूलोसाइट क्या होते हैं मैक्रोफेज जो इन जालों के बीच में रहते हैं ठीक है वो रेटिक्यूलोसाइट्स हैं. सर आप अपना डायग्राम बनाए <laughs> अरे बेटा एन के डायग्राम तो तुम खुद बनाओ ना जहां मुझे अपने कंसेप्चुअल डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो वहां मैं बनाऊंगा इसमें तो कुछ है ही नहीं डायग्राम में तो आपको सेल बना देने जो जगह बच रही है उसके अंदर फाइबर दिखा दो बस हाँ बनाना है बेटा एप्पल नहीं है बनाना है ये बनाना है समझ रहे हो ये एप्पल नहीं है ये गुआबा नहीं है ये बनाना है समझे नहीं समझे अरे मुझसे क्यों बनवा रहे हो बनाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है तुम्हें मुझसे कह रहे हो बनाओ आई नहीं आई तुम्हें बनाना है एग्जाम तुम्हें देना है अब आ जाओ चलो वापस आ रहा हूं अब बात करते हैं एडिपोज हां भाई ये बनाना है लो ड्रॉ कर लो बड़ा तेजी से बस अपने एनसीआरटी में ड्रॉ कर लो ना उसको भाई एनसीआरटी में ड्रॉ कर लो हो गया ना हाँ ठीक है सही है वापस आते हैं अब बात कर रहा था मैं किसकी जो तो कम्प्लीट हो गया कनेक्टेड टिश्यू अब बात कर रहे हैं एडिपोज नाम छुपा हुआ एडिपोज टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल ठीक है कह सकते हो एडिपोज टिश्यू क्या है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विज फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट जो एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से बन रहे हैं वो एडीपोस्ट इश्यू है आप समझ रहे हो कैसे बनते हैं एडिपोस टिश्यू फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स जो एडिपोसाइट्स के एग्रीगेशन से बन रहे हैं वो एडिपोस टिश्यू हैं समझ रहे हो फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स एडिपोसाइट्स क्या होते हैं एडिपोसाइट्स फैस्ट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू ठीक है क्या काम करते हैं फंक्शन क्या है स्टोरेज ऑफ फैट वही फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है कहा प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट बैन स्किन अराउंड हार्ट किडनी आईबॉल एटसेट्रा ठीक है क्या काम करते हैं एक्ट एक्टेज शॉक एब्जॉर्बर और इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं इंसुलेटर देखो तो मेन पॉइंट तो लिखा दिए मैंने जो नीट में आने वाले हैं और खींचने को उसको और लंबा खींच सकते हैं व्हाइट फैट ब्राउन फैट भी लिखाता था, था मैं ठीक है पर अब जरूरत नहीं है हाँ शॉक एब्सोर्वर ठीक है देखो ना कभी कभी आप क्या करते हो जैसे दबा ली आम टाइट से ये ऐसे खींच लिया ऐसे कर ली समझ रहे हो ना मेरी बात ये कर रहे हो ना ये ऐसे 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 कुछ हुआ मेरी आई बॉल में कुछ हुआ कुछ भी नहीं हुआ मेरी आई बॉल में ठीक है मेरी आई बॉल में कुछ भी नहीं हुआ क्यों क्योंकि मेरी आई बॉल के चारों तरफ एडीपोस्ट टिश्यू है मेरी आई बॉल के चारों तरफ एडीपोस्ट टिश्यू है एग्रीगेशन का मतलब होता है खट्टा होना मिल जाना एग्रीगेट हो जाना हाँ समझ रहे हो एक तो समझ में आ गया क्योंकि मेरी आईज के चारों तरफ यही फैट वाले टिश्यू हैं तो खूब दबाया आंखों को फिर भी कुछ नहीं हुआ सॉफ्ट सी आई बॉल को क्यों क्योंकि एडिपोसाइट इन धक्कों को शॉक को एब्सॉर्ब कर लेते हैं समझ रहे हो और आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं चाहे वो हार्ट हो चाहे वो आपकी आई बॉल हो चाहे आपकी, आपकी किडनी हो इनके चारों गोनेट्स हो इनके चारों तरफ एडिपोस टिश्यू भरे पड़े ठीक है चलो भाई तो शॉक एब्जॉर्बर धक्कों से धक्कों को एब्जॉर्व कर लेता है इंसुलेटर इंसुलेटर समझते हो ये आपकी स्किन के नीचे होते हैं एक पूरी लेयर है देखा होगा मेल में स्की लेयर कम होती है फीमेल में स्किल लेयर ज्यादा होती है इसलिए फीमेल की स्किन मेल थोड़ी सॉफ्ट होती है क्लियर है बिल्कुल इसका मेन काम भी एक और होता है कि एक तो बॉडी के अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता इंसुलेटर कुचालक का काम करता है इंसुलेटर यानी शरीर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता ठीक है कितना भी ठंडी पड़ रही हो बाहर माइनस में आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है क्योंकि ये एडिपोसाइट एक लेयर बना के रखते हैं पूरा स्किन के नीचे ठीक है जो हीट को अंदर ही रखता है दूसरा जब सनलाइट लाइट सॉरी सनलाइट जब अर्ली सन जो राइज करता है ना उसकी लाइट जब स्किन के ऊपर पड़ती है ना तो ये विटामिन डी का फॉर्मेशन भी करता है यही समझ रहे हो ना फैट समझे या नहीं समझे तो समझ में आ गया शॉक एब्जॉर्प्शन का, का काम कर रहा है इंसुलेटर इंसुलेटर का मतलब है कुचालक का, का, का काम करता है स्किन के नीचे इसकी लेयर मिलती है हार्ट किडनी आईबॉल की अराउंड मिलती है एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइड फैट स्टोरिंग कनेक्टेड टिश्यू है जो एडिपोसाइड के एग्रीगेशन से बनते हैं बस हो गया काम यार बनाने वाला हूं बिल्कुल हाँ, क्या करूं परिस्थितियां न्यू फोल्डर क्रिएट कर दू किस से रिलेटेड बताओ किसी को भी बच्चा लिख रहा है सर एंजाइटी कैसे कंट्रोल करें मैं सच कह रहा हूं बीस मिनट योगा स्टार्ट कर दो ठीक है जो तुम फालतू चीजें सोच रहे हो ना उनको छोड़ दो सोचना ठीक है समझे चलो यहां तक क्लियर है अब कोई डाउट यहां तक इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ जाओ ये तो समझ में आई है न्यूक्लियस होता है डिपोसाइट के अंदर फैट स्टोरिंग एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू अब तो डेंस कितने टाइप के होते हैं डेंस दो प्रकार के होते हैं डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर तो रेगुलर और इरेगुलर में अंतर क्या है फाइबर के ओरिएंटेशन का ही तो अंतर है अब ध्यान से देखो अब यहां फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है आपको रेगुलर ओरिएंटेशन है रेगुलर ओरिएंटेशन ओरियंटेशन यहां देखो कैसे ओरिएंटेशन है टेढ़ा मेढ़ा देखो इरेगुलर ओरियंटेशन ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन रेगुलर पैटर्न में ही नहीं है अगर फाइबर का ओरिएंटेशन इरेगुलर है तो डेंस रेगुलर फाइबर का ओरिएंटेशन अगर रेगुलर है तो डेंस रेगुलर फाइबर ज्यादा है मैट्रिक्स कम है तो डेंस फाइबर कम है और मैट्रिक्स ज्यादा है तो लूज सिंपल सी बात वाइट ब्राउन साक्षी जरूरत नहीं है अब ठीक है अब थोड़ा सा कट करो यार नोट्सों को थोड़ा सही से करो अब ठीक है क्योंकि तो एन के अनुसार करना पड़ेगा थोड़ा सा जहां मुझे जरूरत पड़ेगी ना एक्चुअल व्हाइट ब्राउन पर जब सीपीएमटी था तब क्वेश्चन आते थे ठीक है थोड़ा सा अब मैं भी सीरियस हो गया कि थोड़ा कंसाइज कराता हूँ चीजों को ठीक है? है ना रिवीजन पर ज्यादा फोकस करता हूँ एनसीआर पर ज्यादा फोकस करता हूं जिससे कि आपकी चीजें बहुत बहुत बेहतर हो पाए ठीक है जहां जरूरत होगी मुझे कंसेप्ट के लिए जहां से क्वेश्चन आ रहा है मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर में नीट में पूछा गया है या पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो टॉपिक मैं अपने आप करा दूंगा तुमसे बिना कहे ठीक है क्योंकि तुमसे ज्यादा सीरियस इस समय मैं हूं कहां कहां क्या, क्या क्या देखना है ठीक है समझ रहे हो आज द्रोणा नहीं है एक्चुअली में व्हाइट व्हाइट पर क्वेश्चन आएगा तो व्हाइट मैंने करा दिया व्हाइट के ही मैंने सारी चीजें लिखाई हैं ठीक है व्हाइट की ही मैंने सारी चीजें आपको लिखाई हैं यहां पर ठीक है ब्राउन जो फैट होता है ना वो स्पेशली उन एनिमल्स के अंदर होता है जो जैसे पोलर बियर है पोलर बियर माइनस टेम्परेचर पर रह लेता है जबकि कपड़े भी नहीं पहनता वो ठीक है आग भी नहीं जलाता वो क्योंकि उसके स्किन के नीचे सॉरी व्हाइट फैट होता है ठीक है ब्राउन फैट की बात करता हूं व्हाइट फैट तो हमारे सबके अंदर भरा पड़ा है ब्राउन फैट की अगर बात करें तो ब्राउन फैट कहाँ होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं छोटे बच्चे उनकी गर्दन देखना मोटी होती है यहाँ पर देखना गर्दन देखोगे ना मोटी गर्दन होती है जो बहुत मोटी गर्दन होती है न्यू बॉर्न बेबी की ठीक है क्योंकि उसमें ब्राउन फैट होता है जरूरत पड़ने पर ब्राउन फैट बिना एक्सरसाइज के अपने आप टूट जाता है वो ब्राउन फैट होता है व्हाइट फैट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए तो आपको पता ही, अभी कितनी एक्सरसाइज करने पड़ती है व्हाइट को तोड़ने के लिए तब भी आसानी से नहीं टूटता ठीक है बैक स्लाइड ओके ठीक है यही अंतर है ठीक है ब्राउन और वाइट पर अब मत जाओ ठीक है तो समझा दिया फ्रॉग नहीं करना आपको चलो सीपीएमटी अब नहीं होता अब एक ही पे एग्जाम होता है नीट सारे एग्जाम मर्ज करके एक एग्जाम एक बना दिया गया नीट अर्थवॉर्म नहीं होगा बेटा व्हाट्सएप चैनल ये क्या बच कल मुझे कुल कई बच्चे लिख रहे हैं सर व्हाट्सअप चैनल बनाइए क्या है व्हाट्सअप चैनल तो समझ में नहीं आ रहा पर आज जनरेट आज मैं बात करता हूँ मैं किसी से और करता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो वही कई बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया मतलब मोबाइल पर भी किया है, क्या है व्हाट्सअप आज करता हूँ कुछ व्हाट्सअप चैनल का भी कुछ निर्माण क्या है अच्छा वी सर ने किया है ओके अच्छा तरुण सर ने भी किया है ओके चलो हम भी करते हैं आज ऐसी कोई बात नहीं है बीटी सर से पूछता हूँ भाई क्या कर रहे हो व्हाट्सअप चैनल ठीक है चलो डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं डेंस का मतलब होता है एकदम सघन समझना मेरी बात अच्छा तरुण सर बीटी सर दोनों ये दोनों आगे रहते हैं चैनल एनल के मामले में तो बहुत तगड़े ठीक है कोई नहीं आज पूछते हैं क्या कर रहे हैं भाई व्हाट्सएप चैनल हाँ बिल्कुल देखो तो अभी तो मेरा कंसेप्ट सिलेबस के ऊपर ठीक है तुम्हारी समस्याओं के ऊपर पर देखते हैं अभी चैनल बनाते हैं तो पूछता हूं ठीक है क्लास के बाद पूछता हूँ क्या है चैनल चैनल ठीक है उसका सही हो। करते हैं क्या हो सकता है देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस सघन समझना इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट में एक तो रेगुलर और इरेगुलर कर दो तो डिवाइड दो पार्ट में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर तो फाइबर के ऑरिएंटेशन का अंतर नजर आ रहा होगा रेगुलर और इरेगुलर के अंदर ठीक है समझ रहे हो ओरिएंटेशन ऑफ़ और फाइबर में डिफरेंस है यहां पर हाँ रेगुलर की अगर मैं बात करूं तो इन दो जगह आपको देखा टेंडन और लिगामेंट सर क्या होते हैं टेंडन और लिगामेंट समझाता हूं समझना टेंडन की अगर बात करूं तो एक कंपोजिशन पता होना चाहिए टेंडन का ठीक है टेंडन किससे मिलकर बनते हैं लिगामेंट किससे मिलकर बनते हैं ठीक है अगर मैं टेंडन की बात करूं बताओ टेंडन टेंडन का नाम बताओ चलो आज ही बनाते हैं टेंशन मत करो टेंशन मत करो आज ही बनाएंगे ठीक है हाँ बताओ टेंडन में क्या होता है व्हाइट कॉलिजन फाइबर लिगामेंट में क्या होता है येलो इलास्टिन पाए फाइबर बट उसमें व्हाइट कॉलिजन भी होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं बहुत सही तुम्हें तो मैं तो सब याद ही है यार टेंडन में क्या होता है वाइट कोलिजन लिगामेंट में क्या होगा येलो इलास्टिन प्लस फ्यू कॉलेजन दोनों ही होंगे खाली एक के काम नहीं बनेगा ठीक है कॉलेजन तो होंगे ठीक है टेंडन किसको किससे जोड़ते हैं समझ समझो जो बोन को मसल से जोड़ता है वो टेंडन है जो बोन को मसल से जोड़ता है वो टेंडन है लिगामेंट क्या होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट है जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट है समझ ना मेरी बात टेंडन क्या होते हैं जो बोन को लिगामेंट से जोड़ते हैं जो बोन को लिगाम जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट है जो बोन को मसल से जोड़ते हैं वो टेंडन है तो कभी-कभी भूल सकते हैं भूल जाते हैं यार कैसे याद रखो मान लो ये बोन है ये मान लो मसल से ठीक है मसल से ऐसी होगी बोन को मसल से जोड़ने के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए और एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए क्या चाहिए एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना है तो आपको एल शेप स्ट्रक्चर चाहिए एल शेप स्ट्रक्चर एल शेप स्ट्रक्चर एलशेप स्ट्रक्चर बोन को बोन से जोड़ते हैं मतलब लिगामेंट समझना ठीक है और टी शेप स्ट्रक्चर टी शेप स्ट्रक्चर बोन को मसल से जोड़ते हैं ठीक है टेंडन ऐसे आप याद ध्यान टेंडन और लिगामेंट ठीक है टेंडन और लिगामेंट किससे मिलकर बने होते हैं ये व्हाइट कॉलिजन यहां येलो लास्टिन मेन होते हैं और फ्यू कॉलिजन ऑल्सो प्रेजेंट इन लिगामेंट अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट कोई भी डाउट शाउट कोई भी डाउट और एक गई डिस्प्ले हम्म नो डाउट बीएमएस चलो अब बात करता हूं इरेगुलर तो इरेगुलर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कर दो भाई इरेगुलर भी दो पार्ट में हो सकते हैं व्हाइट एंड येलो वाइट कहा होंगे वाइट कहा होंगे येलो कहा होंगे येलो जहां पर यहां पर इलास्टिसिटी होगी वहां होंगे ठीक है यानी येलो कहां देखने को मिलेंगे आप बोलोगे लंग्स में ब्लड वेसल्स में वाइट कहा होंगे डरमिस ऑफ स्किन और कहा होंगे कवरिंग ऑफ ऑर्गन जैसे पेरिकार्डियम जैसे पेरिओस्टियम, जैसे प्लूर जैसे ग्लिसंस कैप्सूल कवरिंग ऑफ लंग्स कर तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन होती है उनकी कवरिंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे पेरी कार्डियम हार्ट की कवरिंग है, है, है ग्लिस की कवरिंग है तो इनके अंदर वाइट इरेगुलर देखने को मिलेंगे और जहां पर इलास्टिसिटी होगी तो येलो इरेगुलर देखने को मिलेंगे सिंपल सी बात ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई बताओ फटाफट फुल सेट इन ब्रेन बहुत बढ़िया सुपर तो आगे बढ़ू या लिख रहे हो उसको आगे बढ़ू या लिख रहे हो बहुत बढ़िया ये आग बता रही है एकदम सेट है एकदम सेट बढ़िया सुपर फिर तो हम बात करेंगे यहां पर कार्टिलेज और बोन की लिख लो फटाफट जो लिखना है अगर तो हो गया सुपर तो भाई ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया अब स्टार्ट करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पहले हम कवर करेंगे कार्टिलेज और फिर कवर करेंगे बोन क्लियर है डन नोटेड बहुत सही चलो आ जाओ तो सबसे पहले कार्टिलेज की बात करता हूं आज कार्टिलेज वाला पार्ट पूरा करूंगा ठीक है कल आपका चैप्टर पूरा मतलब टिश्यू वाला पार्ट कल फिनिश हो जाएगा चार लेक्चर में टिश्यू करना था हमें ठीक है और दो लेक्चर में हमें करना है कॉकरोच क्लियर है रिवीजन चलो आ जाओ अब बार बार कल करूंगा रिवीजन ठीक है अब आ जाओ कल ये टिश्यू वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा कॉकरोच वाला पार्ट में कल स्टार्ट कर दूंगा ठीक है थोड़ा सा स्टार्ट कर दूंगा ऊपर ऊपर कर दूंगा अब कुछ बचा नहीं है था के अंदर ठीक है और यार बैक लो भाई फटाफट खींच दो ना इसमें कुछ है कि रेगुलर इरेगुलर इसमें डिवाइड कर दिया उसको उसमें डिवाइड कर दिया सिंपल सी बात है लाओ गुड पानी पी लेता हूँ अब तक तुम लिखो चलो हाँ, हो गया होगा आगे बढ़ो फटाफट भाई स्पेस लाइस के अंदर क्या आएगा स्पेस लाइस में कार्टिलेज और बोन आएंगे स्केलेटन के अंदर ठीक है सबसे पहले कार्टिलेज की बात करता हूँ जैसे रबड़ है रबर, जैसे कार्टिलेज क्या होते हैं प्लाइबल होते हैं प्लाइबल का मतलब होता है कंप्रेसिबल जबकि अगर बोन की बात करूंगा ना बोन प्लाइबल नहीं होते कंप्रेसिबल नहीं होते हार्ड होते हैं ठीक है तो ये कहते हैं जो हार्ड चीजें होती हैं वो दबाने पर टूट जाएंगी जो सॉफ्ट होती हैं दबाने पर वो कह सकते हो आ, रजिस्ट रहती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उनके अंदर ठीक है आप समझ रहे हो जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो टूटता नहीं है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता वो टूट जाता है सिंपल सी बात इसीलिए अपने नेचर में भी हमें क्या रखनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी जिसे टूटे ना समझे आई एम फ्रॉम देहरादून आऊंगा मिलने बेटा टेंशन मत कर लॉन्ग बोन चलो हाँ लाइक इलास्टिक बिल्कुल सही तो अगर मैं बात करूं बेटा कार्टिलेज की तो कार्टिलेज सॉल भाई सॉलिड तो होते हैं सॉलिड तो बोन भी होंगे पर प्लाइबिलिटी प्लाइबिल प्लाइबिल ये कार्टिलेज की प्रॉपर्टी है कंप्रेसेबल प्लाइबिल का मतलब होता है हल्का सा कंप्रेसेबल तो तो एनसीईआरटी लिखती है ठीक है रजिस्ट अ अगेंस्ट कंप्रेशन कंप्रेस करने पर रजिस्ट रहते हैं टूटते नहीं है फ्लेक्सिबल हैं समझ रहे हो ना मेरी बात सॉलिड तो मतलब समझते हैं सॉलिड का मतलब क्या होता है ठीक है चलो की कंपोजिशन की बात कर रहा अच्छा हूं पहले मैं अच्छा पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ फिर टाइप्स की बात कर लेंगे टाइप्स की जगह है कल वाले क्वेश्चन लगाए तो होंगे आपने चलो अगर कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो इस तरीके से इसकी एक आउटर तो पेरीफेरी होगी ये इस तरीके कार्टिलेज का टीएस है सेक्शन कट करके दिखा रहा हूं अगर कार्डिलेस की बात करते हैं कार्डिलेज अंदर से टोटली ए वेस्कुलर होती है बस की जो पेरीफ्री होती है ना यहां पेरीफ्री के अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे पर अंदर नहीं होते मैट्रिक्स ब्लड वेसल्स अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते ठीक है अंदर आपको लेक्यूने मिलेंगे लेक्यूने लेक्यू ने छोटे छोटे लेक्यू क्या, इन लेक्यूलिन लेक्यूने के अंदर स्पेशल पैकेज सेल देखने को मिलेंगे पेयर में भी हो सकते हैं सिंगल भी हो सकते हैं ग्रुप में भी हो सकते हैं डायग्राम साथ ड्रॉ कर लेना ठीक है लेक्यूने के अंदर सेल्स से हैं। कुछ स्पेशल टाइप के और भी सर्स होते हैं समझ रहे हो और बीच में फाइबर्स हैं टोटली फाइबर्स हैं कॉलिथिन फाइबर भी हो सकते हैं लास्टिन फाइबर भी हो सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होगा ठीक है अब आज करके समझो इसको तो बोलोगे आप कवरिंग ऑफ कार्टिलेज बताओ कवरिंग को क्या बोलते हैं अभी बताया था पेरी कॉन्ड्रियम पेरी Peri मतलब पेरीफ्री पर कॉन्ड्री कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेज और अगर पेरिक्ड्रियम की बात करता हूं तो पेरी ए वेस्कुलर होती है क्या वैस्कुलर होती है ये वेस्कुलर होती है, है. 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 समझना मेरी बात जबकि अंदर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे मैट्रिक्स इसको हम तब यूज करते हैं कॉन्ड्रिन कॉन्ड्रिन कैसा होता है ए वेस्कुलर ए मतलब अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते एक बार ध्यान रखना आपने सुना होगा ना कि अगर बोन टूट जाए तो रिपेयर हो जाती है पर कार्टिलेज टूट जाए तो इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होती क्यों नहीं होती भाई इतनी आसानी से ठीक है आप बोलोगे सर कार्टिलेज कैसी होती है ए ठीक है यानी उसके मैट्रिक्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती और भाई रिपेयर होने के लिए क्या चाहिए सबिस्टेंस चाहिए किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू करते हैं तो ब्लड वेसल्स ही नहीं है अंदर इसलिए रिपेयर की स्पीड भी बहुत कम होती है पर पेरी पर ब्लड वेसल्स मिलते हैं रिपेयर होती है बहुत स्लो होती है बहुत स्लो समझ रहे हो ना मेरी बात हां ये ध्यान रखनी है आपको मैट्रिक्स इसका एस्कुलर होता है ठीक है इसकी पेरीफ्री पे जो सेल दिख रहे हैं ना पेरीफ्री पे जो सेल दिख रहे हैं ये वो सेल है जिनमें कंटिन्यू डिविजन होता है क्या बोलते हैं इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रो कॉन्टिन्यू डिवाइड करते रहते हैं कॉन्ड्रो ठीक है और जो इसके अंदर कैविटी के अंदर दिख रहा है ना आपको ये ये है कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ना ये बनाते हैं फाइबर्स और मैट्रिक्स तो कार्टिलेज का फाइबर और मैट्रिक्स कहां से बनता है तो कार्टिलेज का फाइबर और मैट्रिक्स बनता है कॉन्ड्रोसाइट से और कॉन्ड्रोसाइट को कौन बनाता है कॉन्ड्रोसाइट को बनाते हैं कोंड्रोब्लास्ट ये कंटिन्यू डिवीजन डिवाइड करने वाले सेल्स हैं ठीक है डिवाइड करते रहते हैं इनको बनाते हैं ये फाइबर्स और मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरीके से कंसेप्ट होता है कहां होते हैं कॉन्ड्रोसाइट छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, इनको बोलते हैं लेक्यूने जिसमें क्या होगा कॉन्ड्रोसाइट्स सिंगल भी हो सकती है या ग्रुप में भी हो सकती है सिंगल भी हो सकती है ग्रुप में भी हो सकती है कॉन्ट्रोसाइड ये स्ट्रक्चर आ गया अच्छा अंदर क्या है आपको फाइबर्स दिख रहे हैं आपको फाइबर्स और फाइबर्स की बात आती है तो समझ जाना कि यहां पर इलास्टिन भी हो सकते हैं कॉलिजन भी हो सकते हैं कोई भी टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी मैंने इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसके स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर डालो फटाफट फड़ तेजी से ड्रॉ करो उसका स्ट्रक्चर हो गया डन टाइप्स भी करने हैं भाई भाई अभी डन लिखो फटाफट डन 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 ओके चलो ठीक है अब मैं इन सेल को अलग से समझाऊंगा समझना क्या क्या है आपको यहां पर यहाँ समझना है कॉन्ड्रोब्लास्ट यहां यहाँ समझना है कॉन्ड्रोसाइट एक कॉन्ड्रोक्लास्ट भी होते हैं खाने वाले समझाता हूं उसको ठीक है अब वापस आ रहा हूं अब कार्टिलेज की प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कैसे होते हैं बेटा सॉलिड होते हैं सॉलिड बोन भी होते हैं ठीक है अप्लाइबल भी होते हैं कंप्रेसिबल भी होते हैं ठीक है कंपोजिशन अगर कार्डिलियस की कंपोजिशन की बात करता हूं मेन तीन चीजें होंगी सेल्स होंगी इसके अंदर सेल्स तो होंगे भाई ठीक है सेल्स और क्या होगा मैट्रिक्स होगा और फाइबर्स होंगे सेल्स होंगे मैट्रिक्स होगा फाइबर होगा अगर मैट्रिक्स की बात करूं मैं मैट्रिक्स की बात करूं मैट्रिक्स इसको कॉन्ड्रिन बोलते हैं जो प्लाइबल होता है प्लायिल कंप्रेसिबल कॉन्ड्रिन प्लाइबल होता है फाइबर्स हैं दो टाइप के मिल सकते हैं कॉलेजन येलो लास्टिन व्हाइट कॉलेजन और येलो लास्टिन दो टाइप के फाइबर देखने को मिलेंगे यहां पर ठीक है सेल्स की अगर बात करूं तो सेल्स को क्लासीफाई करते हैं मेनली थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करूंगा जिन पर क्वेश्चन आता है पहला तो वही होगा कॉन्ड्रो ब्लास्ट कॉन्ड्रो ब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है हाई एक वो कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोसाइट और एक होगा कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोक्लास्ट जिसमें डिवीजन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कॉन्ड्रोक्लास्ट समझ रहे हो Kondro ना मेरी बात अरे पूरा करा के छोड़ूंगा इस टाइप्स भी कराऊंगा ठीक है कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट ठीक है अब ना मेरी बात कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होती है बेटा इमेच्योर डिवाइडिंग सेल मैच्योर, नॉन डिवाइडिंग सेल और ध्यान रखना है कॉन्ड्रो से ही बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट और दोनों का काम क्या है अच्छा पोजीशन और देखो कहां मिलते हैं पोजीशन क्या है इनकी प्रेजेंट नियर आउटर पेरीफ्री बाहर की पेरीफ्री के पास मिलेंगे जबकि यह कहां मिलेंगे प्रेजेंट इन लेक्यूने लैक्यूने छोटे छोटे स्पेस होते हैं कैविटीज होती हैं, उनमें देखने को मिलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं ठीक है करते क्या मेन फंक्शन क्वेश्चन आएगा फंक्शन क्या बताओगे इनका दोनों मिलके करते क्या दोनों ही ये हो या ये हो फंक्शन क्या है इनका मेंटेन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज कार्टिलेज की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं उनके फाइबर उनके मैट्रिक्स को रिलीज करके उसके मेंटेन ग्रोथ को मेंटेन करना या ग्रोथ हो चुकी है तो मतलब उसको मेंटेन रखते हैं ठीक है हमारे अंदर भी मेंटेन है और जिसकी हाइट बढ़ रही होती है उसमें भी इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है दोनों मिलके ही मेंटेन करते हैं तो मोस्टली एक्टिवेट ये होते हैं ठीक है अब कॉन्ड्रो क्लास्ट क्लास्ट का मतलब क्या होता है फैगोसेटिक सेल भक्षण कोशिकाएं, ठीक है ये मैक्रोफेज होते हैं मैक्रोफेज ये क्या काम करते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट? जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बॉडी में मोस्टली कार्टिलेज ही होते हैं लेक्यूने का मतलब होता है बेटा स्पेस लेक्यूने का मतलब होता है छोटी सी रिक्त स्थान ठीक है खाली जगह छोटा सा कैविटी उसको लेना बोलते हैं वॉइस लैक कर रही है हाँ कॉन्ड्रोटिन सिक्स सल्फेट ये पूरा थोड़ा बायो वाला नाम है बायो बायोमोलिक में लिखाते हैं यहाँ तो आप बस ठीक हैिन में मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोटिन सिक्स सल्फेट देखने को मिलता है ये डिटेल्ड इतना आप नहीं पूछेंगे ठीक है और छुट्टी छुट्टी नहीं कंप्लीट करो उसको छुट्टी ठीक है टाइम क्या हो रहा है अच्छा पचपन हो रहे हैं ओके चलो समझ रहे हो तो ये क्या करते हैं, पर होते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो मोस्टली बॉडी से बनती है, है? कार्टिलेज फिर क्या होता है धीरे धीरे वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होते हैं ठीक है तो कार्टिलेज क्या होगा उसकी उसके कौन बनेगी बोन तो जब कार्टिलेज बोन में रिप्लेस होते हैं उस समय इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है तो रिजॉर्प्शन ऑफ कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन री रिजॉर्प्शन मतलब ब्रेकडाउन आफ्टर बर्थ जन्म के बाद रिज़ॉर्प्शन रिज़ॉर्प्शन मतलब होता है ब्रेकडाउन कार्टिलेज का ब्रेकडाउन तेजी चलता है ठीक है उस ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करते हैं और कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करते हैं आई पेन ओके कोई नहीं छुट्टी कर रहा हूं कोई नहीं है ठीक है यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया आज करता हूं आपके आई पेन का भी इलाज टेंशन मत करो आज ही करता हूं ठीक है क्योंकि समझ रहा हूँ क्योंकि आई पेन बहुत जरूरी मतलब बहुत दिक्कत देता है एक समय मेरे भी था क्योंकि मैं तो इतनी रोशनी में रहता हूँ तो सामने इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं तुम खड़े हो जाओगे तो आंख शायद इस कमरे में खुल भी नहीं पाओगे नीचे लाइट चल रही है यहाँ लाइटें जल रही हैं ठीक है ये रेडिएशन ये हीट निकालता है बहुत ज्यादा ये रेडिएशन आगे भी टीवी लगी हुई इतनी बड़ी रेडिएशन ठीक है तो जरूरत सभी को है बेटा आज देता हूँ तुम्हें सारा एकदम संपूर्ण अगर तुमने उसको कर लिया अगर चार दिन के अंदर तुम्हें तो रिलीफ नहीं मिला तो हम बताना छोड़ दूंगा चार दिन के अंदर रिलीफ मिलेगा ठीक है तो उसको फॉलो करना बस क्योंकि तो सारा खेल देखने से नहीं होता फॉलो नहीं करोगे ना तो बेकार है वो सब कुछ जो चीजें जैसे बता रहा हूँ जितने बार बता रहा हूँ वो करनी है तो हंड्रेड उसका बेनिफिट मिलेगा ठीक है यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को क्लियर है ना चलो आज तय करूंगा टाइप्स आज नहीं करा रहा मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने हैं आपको होमवर्क ये करने हैं आपको सारे के सारे ठीक है नाइन क्वेश्चंस करके लाओगे कल क्वेश्चन कराए थे उनके आंसर मैंने इसमें लगा ही दिए हैं ठीक है द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन आर लाइन बाइड मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलता है लगभग सभी मिलता है अक्सर कर देखने को इसके हम सैपीथिलियल टिश्यू ठीक है हॉलो ऑर्गन के अंदर ठीक है मोस्टली इसमें आंसर बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो इधर पिनल ग्लैंड आ जाएगी कंपाउंड एपीथिलियल एक्टिव इन्वॉल्व होते हैं ठीक है सेल जंक्शन के अंदर एनसीआरटी की लाइन दे रखी है पर इसको थोड़ा चेंज कर दिया है इसलिए गलत है ठीक है एनसीआरटी की लाइन को तो थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बोला स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो स्ट्रक कहीं ना कहीं उसके सॉरी फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन में सपोर्ट करता है फंक्शन में नहीं करता वो उसको बाइंड करने में स्ट्रक्चर सपोर्ट में हेल्प करता है तो, तो थोड़ा चेंज कर दिया प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू ओके मैच कर लेना क्वेश्चन थैंक यू ऑल द बेस्ट अब बताओ कहाँ गया अच्छा बैंटरी गई सिलिएटेड सब जगह नहीं होते बेटा ध्यान रखना सिलिएटेड हॉलो ऑर्गन में सब जगह नहीं होते ठीक है अब बताओ गट के अंदर सीलिया होते हैं क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया मिलेंगे वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ओके बाय बेटा बाय 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 बाय